हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग सो रहा था और उसके फियोंसे आने वाले हैं। जैसे उसके मॉम ने उसको कहा, तियांग उठ जाओ, लेकिन तियांग नहीं उठे, वो अभी तक सोता रहा। तो मिसेस किम नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर तियांग की फियोंसे आ जाते हैं। मिसेस किम कहता है, तियांग वो अभी तक सो रहा है। तो जन को कहता है, कोई बात नहीं, मैं जाकर उसको उठाता हूँ। मिसेस किम कहता है, हाँ तुम जाकर उसको उठा लो। जन को तियांग के बेडरूम में आ जाते हैं और कुछ देर वो दरवाजे के सामने ही खड़े रहते हैं। तियांग सो रहा था। जन को उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बेड के सामने आ जाते हैं। वो तियांग के पास आकर बैठ जाता है। तियांग सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे थे। वो उसके पास बैठ कर उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके बालों में हाथों से सहलाता है, जिससे तियांग की नींद टूट जाता है। तियांग जनकुक को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वो उठकर बैठ जाता है। जनकुक कहता है, क्या हुआ, तुम उठकर बैठ क्यों गए, तुम सोते रहो, तुम्हें नींद आ रहा होगा ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा। जब तक तुम्हारा नींद नहीं टूट जाएगा ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तियांग कहता है, नहीं मुझे अभी और नहीं सोना है। तुम आ गए हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हें पता भी है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर करके सो गया। जनकुक तियांग की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्या सच में तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो तुम कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हो, क्या कल रात से तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे तियांग। तियांग वो जनकुक की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, वो मैं तो जनकुक कहता है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें देर तक सोने की आदत है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, आज से नहीं कल से, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना। तियांग वो जनकुक की लैंप पर आकर बैठ जाता है और जनकुक को कस के पकड़ लेता है। उसकी गर्दन पे अपने दोनों हाथों से इतनी टाइटली पकड़ लिया कि जनकुक को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। जनकुक को खांसी आना शुरू हो जाता है। तियांग जनकुक को देखकर कहता है, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था क्या, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। जनकुक ने खांसते हुए कहा, तुमने मुझे मौका कब दिया, और ऐसे भी अगर मैं तुम्हारी वजह से मर भी जाऊंगा ना, मुझे इससे कोई दुख नहीं होगा। तियांग वो सैड होकर कहता है, देखो तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ। जनकुक तियांग की बालों पर हाथ को सहलाते हुए कहता है, तुम्हारे बाल तो अभी सुनहरा हो चुके हैं, तुम अभी बुरे हो चुके हो तियांग। तियांग कहता है, क्या क्या मैं बुरा लग रहा हूँ। जनकुक मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम मजाक कर रहा हूँ, तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो, और तुम्हें देखकर कोई बोल ही नहीं सकता है कि तुम एडल्ट हो चुके हो, तुम्हें देखकर तो लोग यही सोचेंगे कि तुम 15 या 16 ईयर्स के हो, और तुम मुझसे बहुत छोटे हो। तियांग वो कहता है, हाँ मैं हूँ ऐसा, तो क्या हुआ, मुझे छोटा बनकर ही रहना है, ताकि तुम मुझे बहुत सारा प्यार करो। जनकुक तियांग को बोलता है, हाँ वो तो मैं करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी शुगर बीबी हो। तियांग कहता है, और तुम मेरे शुगर डैडी हो, और हमेशा ऐसे ही रहना, मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना, और तुमने अपने बाल को छोटा क्यों नहीं किया, तुम इस बाल में बहुत ही हैंडसम लगते हो, और हॉट भी, साथ में माफिया भी लगते हो। जनकुक थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, वो कुछ सोच ही रहा था कि तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें मेरी बात से बुरा लगा क्या, वो मैं तो मजाक कर रहा था, वरना तुम इसमें बहुत ही हॉट और हैंडसम लगते हो, मुझे जेलेस फील होता है, सब लोग तुम्हें ही घूरते रहते हैं, जब भी मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाता हूँ ना, सब लोग तुम्हें ही देख कर बोलते हैं, तुम कितने हैंडसम और हॉट हो, सब लोग तुमसे शादी करना चाहता है। जनकुक अपनी बॉटम लिप को बाइट करते हुए कहता है, लेकिन मेरे नज़र में तो तुम सबसे ज़्यादा क्यूट और हैंडसम हो, और तुम्हारे अलावा मैं किसी और को पसंद कर ही नहीं सकता हूँ। तियांग खुश हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहता है, मैं जानता हूँ तुम हमेशा मुझे ही पसंद करोगे और मुझसे ही प्यार करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा हार्ट हूँ। जनकुक कहता, हाँ जिसके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। तियांग जनकुक को दोबारा से हक कर लेता है। इस बार जनकुक और तियांग दोनों ही एक दूसरे को टाइटली हक कर लिया था। जनकुक अपनी हैंड को तियांग की टी शर्ट के अंदर लेकर जाता है
उसकी बॉडी को हाथ से सहलाता है, जिसे तियांग बहुत ही ज़्यादा शाई फील करता है और जनकुक को देख रहा था। जनकुक तुरंत तियांग की होठों पर किस कर लिया। एक किस बहुत ही हॉट और रोमांटिक होते जा रहे थे, बहुत ही लंबा था। वो दोनों बहुत देर तक किस करने के बाद जनकुक तियांग को अपनी बाहों में उठाते हुए उसको वॉशरूम लेकर गया और दोनों वॉशरूम के अंदर क्या किया आप लोगों को वो बाद में पता चल जाएगा। अब जनकुक तियांग को लेकर बाहर घूमने जाने वाले थे। मिसिस किम कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम ठीक से चल नहीं पा रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हारे पैर में चोट लगी है क्या। तियांग वो शय फील करते हुए कहता है, वो मैं तो जनकुक संभालते हुए कहता है। वो तियांग फ्रेश होने के टाइम पर वॉशरूम में गिर गया था, इसलिए उसको चोट लग गया है। कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगा, मैं उसको डॉक्टर को दिखा दूंगा। मैं उसको बाहर लेकर जा रहा हूँ, हम शाम को आ जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा। मिसेस किम कहता है, हाँ ठीक है, तुम हो तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम तियांग से कितना प्यार करते हो। तो जनकुक ने तियांग को अपनी गोद में उठा लिया। तियांग ने जनकुक से कहा, क्या कर रहे हो, मॉम देख रहे हैं। लेकिन जनकुक ने कहा, तुम्हारी पैर पर चोट लगी है ना, तुम चल नहीं सकते हो, तो मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है। तुमने सुना नहीं मॉम ने क्या कहा, मिसेस किम मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें शैफिल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद जनकुक तियांग को गोद में उठाते हुए कार के सामने लेकर आते हैं और अपने पैर से कार की दरवाजे को खोलते हैं। तियांग जनकुक की इस स्टाइल को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बिल्कुल माफिया हो। जनकुक को दोबारा से शौक लग गया कि तियांग बार बार उसको माफिया क्यों बोल रहा है, कहीं उसको पता तो नहीं चल गया ना कि जनकुक माफिया है, क्योंकि तियांग नहीं जानता है कि उसकी फियोन से एक माफिया है। जनकुक बातों को घुमाते हुए कहता है, चलो अब बहुत हो गया है, अब बैठ भी जाओ। तियांग की फोरहेड पर किस करता है और वो दूसरी तरफ से कार पर आकर बैठ जाता है और स्टार्ट कर देता है। तियांग कहता है, वो लोग कौन है और हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। जनकुक कहता है, कौन। वो नोटिस करता है कि उसके गार्ड्स उसके पीछे ही है। जनकुक हमेशा अपने आदमियों के साथ ही चलता है, वो अगर मना भी करता है ना, उसके आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि जनकुक को वो लोग सेफ रखना चाहता है। सब लोग जनकुक की जान लेना चाहता है, आखिर इतने बड़े माफिया किंग को कौन नहीं चाहेगा दुनिया से हटाने के लिए। जनकुक बात को संभालने के लिए कहता है, तुम इतने क्यूट हो ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तुम्हारा कोई नुकसान पहुँचाए, इसलिए मैंने बॉडीगार्ड अपने साथ में लेकर आया ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। तियांग मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए मेरा कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता है, तो इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहो, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, ना कि इन लोगों के साथ, वो लोग मेरा पीछा मत करें। जनकुक अपने आदमियों को कॉल करते हुए कहता है, तुम लोग मेरा पीछा मत करो। तो जनकुक के बॉडीगार्ड समझ जाता है, वो लोग चुपके उन दोनों की पीछा करने लगता है ताकि तियांग को पता ना चले। वो लोग दूर से ही उन दोनों को फॉलो कर रहे थे। तियांग ने कहा, क्या वो लोग चले गए। जनकुक ने कहा, हाँ वो लोग चले गए। तो फिर तियांग ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई कार नहीं है, तो उसको अच्छा लगा, चलो अब ठीक है, वो लोग हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं। जनकुक ने कहा, अब तुम खुश हो ना। तियांग मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए कोई फिक्र नहीं है। जनकुक तियांग से कहता है, तियांग अगर मैंने तुमसे कभी झूठ कहा, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तियांग मुस्कुराते हुए कहा, ये हो ही नहीं सकता है, और अगर तुमने कभी मुझसे झूठ कहा भी होगा ना, वो मेरे अच्छे के लिए होगा, तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे ही शादी करूँगा और तुम्हारे साथ ही बुरा होना चाहूँगा। जनकुक तियांग को हक कर लेते हैं और उसकी होठों पर किस कर लेता है। जनकुक एक हाथ से ड्रैप कर रहा था और दूसरी हाथ से तियांग को हक करके उसकी होठों पर किस कर रहे थे। तियांग ने जैसे ही नोटिस किया, कर किसी मेंशन के सामने आकर रुक गए, उसकी आंखें बड़े हो गए। जनकुक तियांग को देखते हुए सामने की तरफ मुड़कर देखा, तो वो देखा कि मेंशन के सामने पहुंच गए, कार को रोक लिया और तियांग को कहा, क्या तुम्हें मेंशन पसंद आया। तियांग ने कहा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, और ये किसका मेंशन है, क्या तुम्हारा है, तुमने मुझे यहाँ पर पहले कभी नहीं लेकर आए। जनकुक कहा, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, शादी के बाद तुम और मैं यहाँ पर रहेंगे।
तियांग बहुत ही खुश हो जाता है और वो कार से बाहर निकलकर वो कहता है, जल्दी से मुझसे शादी कर लो, मुझे और इंतज़ार नहीं होता है, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना है। जनकुक वो कार से बाहर निकलते हुए तियांग को अपनी गोद में उठा लेता है और मेंशन के अंदर लेकर जाता है और वो कहता है, ये मेंशन तुम्हारा ही है, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो, शादी के बिना भी तुम यहाँ पर रह सकते हो, ये तुम्हारा है और तुम जो चाहे इस मेंशन के साथ कर सकते हो, लेकिन हाँ, अब से तुम्हारे आसपास बॉडीगार्ड्स रहेंगे ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके जब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। तियांग वो कहता है, क्यों तुम मेरे पास क्यों नहीं रहोगे, मुझे कोई बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, तुम हो ना मेरे बॉडीगार्ड। जनकुक कहता है, हाँ वो तो ठीक है बेबी, लेकिन जब हमारी शादी हो जाएंगे और तुम मेरे साथ रहने लग जाओगे ना, तो तुम्हें बॉडीगार्ड के साथ ही रहना पड़ेगा, तुम जहाँ पर भी जाओगे आसपास बहुत सारे लोग होंगे, इसके लिए तुम गुस्सा मत करना, तुम्हें इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना होगा। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? जनकुक कहता है, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ तियांग। तियांग कहता है, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है, जल्दी से शादी कर लो मुझसे। मैं तो कहता हूँ अभी शादी कर लो मुझसे, चलो जाकर शादी कर लेते हैं। जनकुक कहता है, हाँ ठीक है शादी कर लेंगे, थोड़ा इंतज़ार तो करो, तुम्हारे मॉम डैड क्या कहेंगे, मैंने उन लोगों से कहा है कि शादी बहुत ही धूमधाम से होगा। तियांग कहता है, मुझे इतनी धूमधाम से शादी नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो सके शादी हो जाना ही अच्छा है, चलो ना शादी कर लेते हैं। तियांग जबरदस्ती जनकुक को शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था। आखिर जनकुक का भी मन है तियांग से शादी करने का, तो उसने तियांग को शादी करने के लिए कोर्ट लेकर गए। उन दोनों की शादी हो गए और उन दोनों के हाथ पर अब शादी के रजिस्ट्रेशन कार्ड भी थे। दोनों ने साथ में पिक्चर खींचा, अपने पेरेंट्स को सेंड कर दिया। तियांग की पेरेंट्स बहुत ही खुश है, लेकिन उन दोनों को बहुत ही शौक लगा, अचानक इन दोनों ने शादी क्यों कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, जनकुक तियांग से इतना प्यार करते हैं तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाद में पार्टी तो हो ही जाएगा, बहुत ही अच्छा सा रिसेप्शन पार्टी। अभी तियांग जनकुक के साथ उसके मेंशन के बेडरूम में है। तियांग जनकुक की बाहों में आते हुए कहता है, देखो मुझे तुमसे और दूर नहीं रहना है। जनकुक कहता है, तियांग इससे पहले कि हम दोनों शादी की पहली शुरुआत करें, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तियांग कहता है, अभी कुछ नहीं सुनना है मुझे, आज हम दोनों की शादी की फर्स्ट नाइट है। ये कहते हुए तियांग जनकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगते हैं, जनकुक की चेस्ट पर अपनी टंग से सक करने लगते हैं, जिससे जनकुक बहुत ही हॉट हो जाते हैं और वह अपनी लिप्स को बाइट कर लेता है। तियांग जनकुक को बुरी तरह से किस कर रहा था, जिससे जनकुक खुद को और रोक नहीं पाते हैं और वो तियांग को बेड पर धकेल देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। तियांग जनकुक को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि तियांग को ए वाला जनकुक बहुत पसंद है, जो बहुत ही हॉट और हैंडसम है। बहुत ही हॉट तरीके से जनकुक तियांग को देखे जा रहा था, अपनी लिप्स को बाइट करते हुए वो तियांग के आगे बढ़ ही रहा था। तियांग ने जनकुक की कॉलर को पकड़ते हुए अपनी ओर खींच कर लेकर आया और उसकी शर्ट को अब पूरी तरह से खोल देते हैं। जनकुक अब तियांग की दोनों हाथों को कसके पकड़ लिया। उसके बाद जनकुक तियांग की होठों पर किस करने लगे। दोनों बहुत ही हॉट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके बाद जनकुक तियांग के साथ लगातार इंटीमेट होते जा रहे थे। तियांग अब बुरी तरह से थक गया था। जनकुक तियांग को चद्दर से ढकते हुए उसको सुला देते हैं। तियांग अब सो चुके थे। जनकुक वॉशरूम चले जाते हैं और दीवार पर अपने दोनों हाथों को टिकाए वो शावर के नीचे खड़ा था। वो पानी में भीग रहे थे और यही सोच रहा था, अभी जो तियांग के साथ हुआ है और उससे जो वो छुपा रहा है कि वो एक माफिया है, क्या ये ठीक है? अचानक तियांग ने शादी के लिए उसको फोर्स किया, उसने शादी भी कर लिया और तियांग से ये भी नहीं कहा कि वो माफिया है। तियांग को ये पता भी नहीं है। जनकुक को ऐसा लगता है जनकुक तियांग को धोखा दे रहे हैं। जब तियांग को पता चलेगा तब तियांग क्या करेगा? क्या जनकुक को छोड़कर चला जाएगा? जनकुक ये सोच सोच के पागल हो रहे थे। वह अपने बालों को हाथ से खींचने लगते हैं और वो बहुत ही शावटली कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तियांग जनकुक की आवाज़ को सुनकर वो जल्दी से उठ जाते हैं और वो
वॉशरूम के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और वो कहता है, क्या हुआ, तुमने अभी चीखा क्यों, कुछ हुआ है क्या? जनकुक, दरवाज़ा खोलो वरना मैं अंदर आ जाऊँगा। क्योंकि जनकुक शावर के नीचे था, वह पानी की आवाज़ के कारण कुछ नहीं सुन पा रहे थे। तियांग ने कहा, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, तुम दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रहे हो? जनकुक को सुनाई नहीं दिया तो फिर तियांग ने दरवाजे पर पुश किया, जिससे जनकुक का ध्यान टूटा और उसने कहा, तियांग तुम बाहर हो क्या? तियांग ने कहा, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो? तो जनकुक ने दरवाज़ा खोल कर तियांग को कहा, क्या हुआ, तुम तो सो रहे थे ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ जाकर रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, तियांग कहता है। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? जनकुक कहता है, वो मैं बस ऐसे ही। तियांग जनकुक को देखकर ब्लश कर रहे थे, उसके फेस पिंक कलर का हो चुका था। वो जनकुक को देखकर कहता है, तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो, अब मैं तुम्हें इस तरह से देखने के बाद यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, मुझे कुछ और करने का मन कर रहा है। जनकुक कहता है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम जानते भी हो ना, उसके बाद ये मत कहना कि तुम चल नहीं पा रहे हो। तियांग कहता है, हाँ वो मेरा प्रॉब्लम है, तुम क्यों सोच रहे हो, तुम्हें जो करना है तुम क्यों नहीं करते हो? तो जनकुक तियांग को वॉशरूम के अंदर खींच कर लेकर गया और वो दोनों यहाँ पर भी इंटीमेट हो गए। तो नेक्स्ट डे सुबह को तियांग और जनकुक सोफे पर बैठ कर बातें कर रहा था, अचानक बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो ब्लैक सूट पहना हुआ था, बड़े बड़े कोट पहने हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो लोग बॉडी गार्ड है। तियांग उन लोगों को देखकर गुस्सा होते हुए कहता है, वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए कोई बॉडी गार्ड, मैं तुम्हारे साथ ही ठीक हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैंने कहा ना। जनकुक ने कहा, देखो मुझे काम के लिए बाहर जाना होगा और तुम तो अब तक यहाँ पर इस तरह से नहीं रह सकते हो, जब मैं शाम को आ जाऊँगा ना, मैं तुम्हें लेकर तुम्हारे घर पर जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारी शादी और मेरी शादी बहुत ही जल्दी हो गया है और सबको बोलने की टाइम भी नहीं मिला हमें, सबसे जाकर मिलकर सॉरी कहना होगा। तियांग, हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, उन लोगों से बिना पूछे ही शादी कर लिया। तियांग ने कहा, तुम इसके लिए इतना टेंशन क्यों कर रहे हो, आज नहीं तो कल हमें शादी करना ही था और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके बाद कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने पहले ही शादी कर लिया। तो जनकुक तियांग से कहा, तियांग ऐसा भी तो हो सकता है ना, शादी के बाद तुम्हें कुछ ऐसा पता चले जिसके बाद तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। तियांग जनकुक की लैंप पर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम मुझे हमेशा ऐसे क्वेश्चन क्यों करते हो? तो फिर जनकुक तियांग की लिप पर अपने हाथों से सहलाते हुए कहता है, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो तियांग की लिप्स की तरफ ही देख कर बोल रहा था। तो फिर तियांग जनकुक से कहता है, यही ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मुझे अभी किस करना चाहते हो, लेकिन ये लोग सामने हैं इसलिए नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, इससे हम दोनों की प्राइवेसी खराब हो जाएगा, इन लोगों को ऐसे जाने के लिए कहो। जनकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। तियांग कहता है, क्या कहना चाहते हो? यही ना कि तुम माफिया हो और अब तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है तो सब लोग को पता चल जाएगा तुम मेरे पार्टनर हो, क्योंकि आप सब लोग को ये बात पता चल जाएगा कि तुमने मुझसे शादी कर लिया है तो सब लोग मुझ पर अटैक करने लगेंगे, मुझे भी जान से मारना चाहेगा ताकि तुम्हें तकलीफ हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और इसलिए तुम डरते हो और मेरे लिए बॉडीगार्ड रखा है, वो भी इतने सारे, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे प्यार पर भरोसा है और मुझे पहले से पता था कि तुम माफिया हो। जनकुक कहता है, क्या तो तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं, मुझे लगा तुम्हें नहीं पता है। तियांग, वो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा है। तो तियांग ने जनकुक की होठों पर किस कर लिया, उसके बाद जनकुक से कहा, तुम इसके लिए सॉरी मत कहो, हाँ मैं जानता हूँ तुम माफिया हो जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या करो, मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया है ना, मुझे पता चलने के बाद भी कि तुम एक माफिया हो तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने तुम्हारे प्यार को पहले इम्पोर्टेंट दिया है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो मुझे तुम्हारी माफिया होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ मुझे सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों के चक्कर में तुम्हें कुछ हो ना जाए, मैं सब कुछ सह सकता हूँ लेकिन तुम्हें खो नहीं सकता हूँ जनकुक, मुझे तुमसे बहुत प्यार है,
मैंने बहुत सोचा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, जनकुक त्यांग से कहता है। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो ये जानने की बात भी कि मैं एक माफिया हूँ, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो त्यांग। त्यांग कहता है, हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जनकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेता है। अब तो जनकुक को भी कोई ध्यान नहीं रहा कि आसपास इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं। जैसे ही जनकुक को इस तरह से त्यांग को किस करते हुए देखा, सबने अपनी आंखों को हाथ से कवर कर लिया और यहाँ से चले गए। इन लोग को अच्छी तरह से पता है अगर यहाँ पर रुकेगा ना तो जनकुक के हाथों से मरा जाएगा। तो फिर अब शाम की टाइम है और त्यांग के घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखा गया है, जहाँ पर जनकुक त्यांग को लेकर आया है। मिस्टर किम और मिसिस किम बहुत खुश है कि त्यांग को ये पता चलने के बाद भी वो जनकुक के साथ खुश है। और वो लोगों की भी कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि जनकुक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो लोग जनकुक को पहले से ही जानता है जब जनकुक माफिया नहीं थे। एक्चुअली जनकुक माफिया कैसे बने, त्यांग के पेरेंट्स ने त्यांग से कहा। जनकुक के पेरेंट्स की मौत हो चुके थे, वो एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर उन दोनों की एक्सीडेंट कर दिया था। जनकुक तब छोटा था, वो 12 साल के थे और वो उस टाइम पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। मिस्टर किम और मिसेस किम ने जनकुक को अपने साथ में रखा, बड़ा किया। जनकुक के आंखों के सामने उसके पेरेंट्स की डेथ हो गया था, इसलिए वो बचपन से ही उसके बदला लेने की तैयारियां कर चुके थे। अपने पेरेंट्स की मौत के बदला लेने के लिए ही जनकुक माफिया बने हैं। इसलिए त्यांग को जब ये सब कुछ पता चला, त्यांग ने जनकुक को हक कर लिया और कहा, अब मुझे लगता है मैंने बिल्कुल सही डिसीजन ही लिया था, तुम एक नंबर के माफिया किंग हो, चाहे कुछ भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ को जीना चाहता हूँ। जनकुक त्यांग को टाइटली हक कर लेता है, कहता है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, मैंने अपने पेरेंट्स को खोया है लेकिन तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ नहीं होने दूंगा। वो उसकी फोरहेड पर किस करता है। त्यांग जनकुक को टाइटली पकड़ लिया और कहा, तुम मेरा और मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखना और मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। जनकुक मुस्कराते हुए कहा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। मैं अपनी बटरफ्लाइज के लिए एवरीडे कुछ न्यू स्टडी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों को पता ही है मैं एवरीडे कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ, चाहे वो वन शॉट हो या फिर एक्सप्लेन लॉन्ग स्टोरी हो। तो आप लोग मेरे सेकेंड चैलेंज जीवन मो मैजिकल यूनिवर्स और थर्ड चैलेंज वाटर लव फायर, इन दोनों चैनल को भी वॉच कर लेना। मैंने वहाँ पर भी बहुत सारी स्टोरी डाल दिया है और आप लोग उस स्टोरी को वॉच नहीं कर रहे हो, जो लोग अभी तक नहीं जानते हो जाकर वॉच कर लो, ठीक है। मैं एवरीडे दोनों चैनल पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तेकुक FF हिंदी एक्सप्लेन और जीवनमो मैजिकल यूनिवर्स, लेकिन आप लोग वाटर लव फायर पर वीडियो नहीं देख रहे हो तो मैं उस पर अभी तक वीडियो अपलोड एवरीडे नहीं कर पा रही हूँ। जब आप लोग एवरीडे देखना शुरू कर दोगे, मैंने तीनों चैनल पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगी, तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जाकर वॉच कर लो, जो लोग मेरी स्टोरी को सुनना पसंद करते हो, और जो न्यू सब्सक्राइबर हो मेरे YouTube प्लेलिस्ट को चेक कर लो, आप लोग को और भी बहुत सारी स्टोरी सुनने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, ठीक है।